आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में आम आदमी में दिखा कोविड टीकाकरण के लिए उत्साह। लक्ष्य से अधिक लोगों ने लगवाया टीका। 3 बूथों पर 300 की जगह 361 को लगा कोविड का टीका। 232 पुरुषों व 129 महिलाओं ने लगवाई वैक्सीन। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सोमवार को बेतीहाता से ट्रांसपोर्ट नगर तक किया पैदल गश्त। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी पर पुलिस और स्थानीय लोगों से किया संवाद, मांगे सुझाव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने स्वनिधि योजना सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा। कहा, पात्र व्यक्तियों को दिलाया जाए स्वनिधि योजना का लाभ। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से एडीजी जोन अखिल कुमार ने सोमवार को डीएम, एसएसपी, सीओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ मोहद्दीपुर चौराहे का किया निरीक्षण। कहा, यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए किए गए हैं महत्वपूर्ण निर्णय, सुधरेगी यातायात व्यवस्था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लोन मेला का किया शुभारंभ। 6 मार्च तक लक्ष्य को पूरा करने के दिए निर्देश। शासन के निर्देश पर घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल पर एक मुश्त समाधान योजना 1 मार्च से लागू। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में मिलेगा 100% की छूट। मुख्य अभियंता विद्युत ने दी जानकारी। महापौर, जिलाधिकारी, सीएमओ ने मोबाइल सचल वैन को हरी झंडी दिखाकर दस्तक अभियान की शुरुआत। महापौर ने कहा, दस्तक अभियान से संक्रामक बीमारियों पर लगेगा लगाम। स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी रहे मौजूद। महानगर वासियों को जल्द मिल सकेगी इलेक्ट्रिक बस में सफर की सुविधा। महेसरा में बन रहा है चार्जिंग प्वाइंट और बस स्टेशन। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। गोरखपुर में सोमवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,474। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 24 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और कोरोना की वजह से 11 महीने से बंद चल रहे सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में सोमवार से लौटी रौनक। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुई छात्रों की पढ़ाई। बीएसए ने कहा, बच्चों में देखा गया काफी उत्साह।